हाथ में हथियार फिर भी पीछे से वार, मर्द होने की कुछ तो इज्जत रखते यार। करिश्मा सिंह अब ठीक है? जी जी मैडम। ओके ए, ए, कोई छुएगा नहीं मेरे को, आ गया 50 साल लेके जाने दो मुझे यहाँ से, ये तो काट दूंगा इसको। खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू, खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू, खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू। जब बोलू पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू, जब बोले पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू, जब बोलू पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू। तुम ठीक हो करीना? ठीक हो ना? अब रहो अंदर, किडनैपर कहीं के पास। हाँ। ये आप दोनों ने किया कैसे? खट्टू चट्टू चल खेले लड्डू, जब बोलो पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू। हाँ ये तो सुना हमने, वहाँ पे भी सुना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि जब हम बचपन में गेम खेला करते थे तो ये हमारा एक गुप्त संकेत हुआ करता था, कोड वर्ड। जैसे हम इसको बोलते थे पिट्ठू, ये झुक के पत्थर उठाती थी और पिट्ठू को फोड़ती थी। ग्रेट ग्रेट, मतलब आज कहाँ काम आ गया, देखो दो बहनों का बचपन का जुगलबंदी। हाँ लेकिन इसका टाइमिंग जो था ना वो कभी ठीक नहीं था, कभी भी टाइमिंग पे इसने पत्थर उठा के पिट्ठू नहीं फोड़ा। अयो अम्मा तुम तो ऐसे बोलता कि तुम्हारा टाइमिंग तो एकदम वन नंबर होता, कभी टाइमिंग पे सही वर्ड बोला ही नहीं, और कभी कभी तो कुछ और ही वर्ड बोलता। टाइमिंग खुद का बैड होता, बिल मेरे पे झाड़ता। झाड़ता नहीं फाड़ता। हाँ वही। और दूसरा क्या आता है, यही तो आता है, झाड़ना फाड़ना तोड़ना मारना बस। इसलिए तो हम कहते ना हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तोड़ गए। आपके लल्ला के भाग फूट गए। तुम्हारा ना पैदा होने का टाइमिंग खराब हुआ है, तुम एक मिनट पहले पैदा नहीं हो सकती थी। हमारे सर से ये टेंशन तो हट जाता बड़ी बहन होने का। अभी गॉड का टाइमिंग खराब होता तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट होता? करेक्ट, आप करेक्ट। हो गया सारा डिस्कशन, कम से कम इस बात की खुशी तो मना लीजिए कि हमने केस सॉल्व कर लिया। जी, और आपने मेरे दोस्त को मार दिया केस सॉल्व करने के लिए? मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश होने वाला गोली मारा है, उठ जाएंगे वो, ठीक है? और तब तक तुम जो है अपने सारे गुनाह कन्फेस करोगे और बचे हुए साथियों के नाम बताओगे, समझ में आई बात? वैसे सच कहे ना तो इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह को जाता है। हाँ हाँ, वो अगर वक्त पर नहीं पहुंची होती, हम सबको नहीं बचाया होता, उस बच्ची को नहीं बचाया होता, तो हम ये कर ही नहीं पाते। गुड जॉब। इसलिए करिश्मा सिंह आज आपके लिए हम सब की तरफ से ये तो बनता है। धन्यवाद। देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी धुलाई करूंगी ना कि जब भी मुंह खोलेंगे एक ही बात बोलेंगे कि एक्सपर्ट तो बहुत देखा लेकिन ऐसा धुलाई एक्सपर्ट पहली बार देखा। प्लीज मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत क्यूट हूँ आई नो, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हूँ, घबराइए मत आप। इस तरफ आ जाओ, आओ। मैडम क्या चाहिए आपको? ये डंडा दिखा के क्यों डरा रही हो आप मुझे? बताती हूँ तुझे। अरे अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप, ये वो लड़का नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही थी आपको। अरे पगला गए हैं क्या, बिना किसी बात के मुझे पीट डाला? नहीं आई एम सो सॉरी, आप वो आप इस तरफ ऐसे देख रहे थे ना लड़कियों को? मैडम मैं तो किताबें देख रहा था, अब ये किताबें देखना भी गुनाह है क्या? I'm genuinely very sorry. I'm so sorry. पहले पीटते हैं फिर सॉरी बोलते हैं। टेंशन मत लीजिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं संभाल लूंगी सब।
हेलो कांस्टेबल संतोष शर्मा कमिंग। हेलो कांस्टेबल संतोष शर्मा। संतू जी कैसी हैं आपका? आपको पता है आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं संतू जी। आपको कौन है की बात कर रहा है ये? सॉरी सर। संतू जी आप अपना वॉकी टॉकी का चैनल 6 फ्रीक्वेंसी रेंज 148 MHz 003 पर सेट कीजिए तो थोड़ा चैनल। हाँ बोल। संतू जी आपको पता है हम आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे थे संतू जी। तब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हम आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं संतू जी, सोचे कि अब फोन नहीं लग रहा है तो वॉकी टॉकी पर आपको कॉल कर लें। क्या है कि इससे वॉक करते करते टॉक हो जाएगा। आप किधर है संतू जी? चीते वो जानकीपुरम में वो कोचिंग सेंटर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा था कि वो आते जाते लड़कियों को कोई लफंगा बहुत परेशान कर रहा था तो मैडम सर ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे यहाँ भेजा। ऐसी धुलाई करूंगी ना बस मिल जाए वो मुझे। वैसे संतू जी हमको इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं है। हमको इस बात का पूरा यकीन है कि उस सड़क छाप उठाई गिरे मजनू के लिए आप अकेले काफी है। मतलब उसकी हड्डी का चूरमा बना सकती है आप। लेकिन फिर भी संतू जी अगर आप कहें तो हम आ जाए आपके सहारे के लिए। आपका सहारा हो जाएगा इसे। तेरा सहारा नहीं बस तेरा साथ चाहिए। तू साथ रहे वही बहुत है मेरे लिए। साथ तो है हम संतू जी, पूरा जिंदगी साथ है आपका। जिंदगी में एकदम एक मजबूत खूंटा की तरह गड़ गए हम। अब चाहे तूफान आए, सुनामी आए, आंधी आए, उखड़ कर कहीं नहीं जाने वाले हम। बस क्या है कि आपका आवाज सुनने का मन किया था ना, इसीलिए फोन कर दिए थे। सुन लिया अभी अच्छा लग रहा है हम। सुन ली अब चल मुझे ड्यूटी करने दे। ठीक है संतोष जी हम रखते हैं जी। बाय। लगता है लो फ्रिक्वेंसी रेंज होने के चलते वायरलेस क्रॉस कनेक्शन कर रहा है। मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? तुम जानते हो ना कोई भी चूक कोई भी कोताही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जानता हूँ जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। यहाँ पर हम सब पूरी तरह से तैयार हैं और सुसाइड बॉम्बर भी बिल्कुल तैयार है। 3 दिन बाद शहर में धमाकेदार आतिशबाजी होने जा रही है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। ऐसी तबाही जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी और ना ही देखी होगी इंशाअल्लाह। और वो हमारा सुसाइड बॉम्बर भी यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो चुकी है। वही 26-27 साल वाली लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वही जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेती है। जी हाँ जनाब, वही लड़की। कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो सुसाइड बॉम्बर होगी। एक चलती फिरती मौत की मशीन जो अपने साथ साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देगी। और सर फिर आप है ना, आप हमें बस रास्ता दिखाते जाइए और हम तबाही मचाते जाएंगे। ठीक है हमें भी फोटो भेजिए, जरा हम भी तो देखें कौन है वो लड़की जो हमारे मिशन को अंजाम देने वाली है। जी हाँ उसकी फोटो मेरे हाथ में ही है, मैं आपको भेजता हूँ। फिर से याद दिला रहा हूँ, कोई कोताही नहीं कोई चूक नहीं। ये मिशन किसी भी सूरत हाल में फेल नहीं होना चाहिए। नहीं होगी सर, आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम तो बस आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उधर आपका इशारा हुआ, इधर बटन दबा और बूम पूरे शहर के परखच्चे उड़ जाएंगे हवा में। यो गुरु अम्मा, किधर सब? गुरु अम्मा ठंड ठंड पानी से नहाना चाहिए। ओ माय गॉड, दिन दहाड़े दहाड़े मारकर नहाने का मजा कुछ और ही है। एंड दिस थाना ओनली वन बिलो द स्पाय, जैसे लग रहा है कि मैं इस थाने का राजा हूँ और इस थाने में मैं राज कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, तुम बाहर आओ फ्रेंड टकली। बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड, मैं बाहर नहीं आता, तुम्हारी मुझे नजर लग जाएगी ना। यम्मा तुम अपने आप में काला टीका, तुमको किसका नजर लगता? सब किधर, कोई दिखाई नहीं देता। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कहाँ गए, लेकिन सब ऐसे तैयारी करके गए हैं जैसे वॉर के लिए निकले हैं। सब हिले हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, पता नहीं कहाँ गए हैं।
इधर से मुझे सब दिखता दिखता ए बाप रे तो तुम आंखें बंद करता ना फिर भी तुम देखता देखने का लालच आंखें नहीं खोलना नहीं खोलना हे बाप रे मत खोलना अभी खोलो संतोष शर्मा मैडम सर ये वो जगह जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी यहीं कहीं हो सकते हैं टेररिस्ट ओके एवरीबॉडी अलर्ट एंड केयरफुल तैयार है सब लोग हाँ पुष्पा जी आपने थोड़ा संभाल के आपको पिछला मिशन याद है ना काला कबूतर वाला क्रिमिनल की जगह पर दीवान जी का कंधा उड़ा देती है मैडम सर हम सच बताए हमको आतंकवादी से ज्यादा इनसे डर लगता है वो किस अलग थी हाँ क्या आप सच में दीवान जी को उड़ाना चाहती थी कुछ भी बकेटी करें मैडम सर मैडम क्योंकि बुरा मत मानिए तो एक बात पूछे हम क्या अभी इस वक्त इस हालात में ऐसे आतंकवादियों से भिड़ना सही लग रहा है आपको नहीं मतलब हमारा बैकअप फोर्स नहीं आया अब तक करिश्मा जी को तो बुला लिया होता पता नहीं वो लोग कितने तादाद में है कैसे कैसे हथियारों से लैस है पुष्पा जी अगर हम बैकअप फोर्स का और करिश्मा सिंह का इंतजार करेंगे और तब तक ये लोग हाथ से निकल गए तो आप जानती है ना अच्छे से कि सुसाइड बॉम्बर लेकर घूम रहे हैं वो अपने साथ में तबाही मचा सकते हैं वो इसलिए जो कुछ भी करना होगा जैसे भी पकड़ना होगा अब हमें ही इन टेररिस्ट को पकड़ना है क्लियर एक मिनट हाँ करे ना बोलो जुकाम हुआ है क्या नहीं मैं रोता गुरु अम्मा क्यों रोता मतलब क्यों रो रही हो तुम मेरा सीनियर सुंदी से बात कराओ मैडम सर मैडम सर करीना को बात करना हाँ करीना अब जल्दी बोलो क्या हुआ जय हिंद जय हिंद क्या हुआ क्यों रो रही हो तुम मेरा भरोसा तोड़ा मैं तुमको कितना ट्रस्ट किया गॉड के बाद डायरेक्ट तुमको ही ट्रस्ट किया और तुम मेरा भरोसा तोड़ा तुम मुझे यहाँ छोड़ के मेरा भरोसे को फोड़ के चला गया तुम किधर होता मैं उधर आता मुझे बता मेरा ट्रेनिंग सीने सुंदरी मुझे वो लेना होता करीना चुप रहो हमारी बात ध्यान से सुनो इस वक्त हम बहुत जरूरी मिशन पर हैं हम थाने वापस आकर तुमसे बात करेंगे तब तक दोबारा फोन करके हमें डिस्टर्ब मत करना फोन रखो और सुनिए सब लोग अभी के अभी अपने सारे फोन स्विच ऑफ करिए जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई अपना फोन चेक नहीं करेगा क्लियर ओके लेट्स गो पुष्पा जी तोड़िए मैडम तो देखिए ये सब कुछ जला के चले गए पुष्पा जी हमने दरवाजा तोड़ने में बहुत देर कर दी अच्छा खासा मौका मिल गया इनको एविडेंस जलाने का मैडम सर हाँ खिड़की खुली है वो खिड़की से पक्का भागे होंगे मैडम सर हाँ उधर भी कोई नहीं है एक मिनट ये पकड़ी पुष्पा जी दीजिए पुष्पा जी जो कुछ भी हो जाए करीना को इस केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है ओके कुछ भी करके करीना को वापस शूटिंग पर भेजिए और करिश्मा सिंह को बुलाइए जी मैम जी मैडम ओके पुष्पा जी एविडेंस बैग में डालिए जी 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 संभाल के पुष्पा जी आराम से मैडम सर इतना बड़ा बवाल इतना बड़ा बवंडर हो गया आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा आतंकवादी हमारे शहर में घुसा है उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र बना लिया लोगों की जान लेने का और हम वहाँ शूटिंग कर रहे हैं उनके षड्यंत्र की बत्ती बना के उनके कान में ना घुसा दिया होता ना मैडम सर हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं होता हमने कहा था मैडम सर से कि ऐसे तोड़फोड़ वाले कामों के लिए करिश्मा जी एकदम सही है मतलब कोई भी कलेश हो झगड़ा हो मुंहजोरी हो डराना हो धमकाना हो किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी हो हर काम में हमारी बहुरानी एकदम माहिर है मगर मैडम सर ने हमारी बात सुनी नहीं अरे घर में आज तक यही तो करती आई है ये घर का एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जो इन्होंने कभी तोड़ा ना हो तो इसका मतलब है कि हम सांड हैं, हम सर फिरे सांड हैं। क्या ना मतलब आपके लल्ला जो है वो एक सांड को ब्याह कर लाए हैं सांड को साड़ी पहना के उसके साथ फेरे लिए सांड की मांग में सिंदूर भरा यही कहने का मतलब हुआ ना आपका है, क्या 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 बोल रही हैं आप हमने ऐसा तो नहीं कहा ऐसा नहीं कहा लेकिन मतलब यही होता है क्योंकि इधर उधर सिर्फ सांड ही सींग मारता है देखा 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 मैडम सर देखा कैसे राय का पहाड़ बना रही मतलब जो हमने कहा ही नहीं है वो हमारे नाम पे खपा रही है देखिए कहने का जरूरत नहीं था आपका मतलब वही था हो गया आप दोनों का आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है शहर में आतंकवादी हमला हो जाने की तलवार हमारे गले पर लटकी हुई है और आप लोग यहाँ सास बहू की तरह झगड़ा कर रहे हैं हमें इस वक्त ये सोचना जरूरी है कि किस तरह से उन लोगों को पकड़ा जाए उनके इरादे नाकाम किए जाएं।
माफ कर दीजिए मैम। पुष्पा जी प्लीज रहने दीजिए। संतोष शर्मा। यस मैडम सर। क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है। करेक्ट। ओके चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। शहर में जितने भी होटल्स, रिसॉर्ट्स, अपार्टमेंट्स है, गेस्ट हाउसेस है, जो कुछ भी है, सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन की अगर किसी भी लड़की के बारे में पता चलता है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी मैडम। ओके इसके अलावा शहर में जितने भी छोटे बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पता लगाइए कि इस डिस्क्रिप्शन की लड़की ने क्या पिछले कुछ दिनों में इंसुलिन खरीदा है। अगर है तो वो जन्म कुंडली भी हमें चाहिए। जी मैडम। जी ओके। करिश्मा सिंह। हम अपने मुखबिर को खड़काते हैं, अगर कोई संदिग्ध खांसेगा भी तो हमें पता चल जाए। फैंटास्टिक। और एक चीज हम सोच रहे थे कि अगर ये सुसाइड बॉम्बर है तो उसने बॉम्ब भी लिया ही होगा। अपने इन्फॉर्मेंट से बिल्लू पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के एक्सप्लोजिव क्या बेचे गए हैं। अगर हम बेचने वाले तक पहुंच जाएंगे तो हम खरीदने वाले तक भी पहुंच जाएंगे। हमें लगता नहीं है कि हमें आप सबको ये बताना जरूरी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। ये मामला कितना सेंसिटिव है ये बात आप सब जानते हैं, इसलिए किसी तरह की लापरवाही, गलती, चूक हम कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ऑपरेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये टॉप सीक्रेट है। मतलब करीना को भी नहीं? किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। सबको सब कुछ समझ में आ गया है? यस सर। डिस्पर्स। ये सब मुझसे कुछ छुपाती? क्यों छुपाती? अगर मुझको करी अम्मा जैसा बनना है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि ये मुझसे क्या छुपाती, पर कैसे पता चलता? गया कहाँ था? कब से हम वेट कर रहे हैं, हम पूरा पड़ताल खत्म करके आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या जाता है बोलने में, तुम्हारे पास तो यमराज का वाहन है ना। हाँ, अपना मोटरसाइकिल, बस एक किक मारी, जहाँ पहुँचना है पहुँच गए, पलक झपकते। हम तेरे साधारण इंसान बसों में धक्के खा के सफर करते, समझ गई ना। और ऊपर से भूसे में से इतना ढूंढने का काम, कमर अकड़ गई आज पूरे दिन भर हमारी। तो कुछ पता चला केस के बारे में? कहाँ, आसान है क्या इतने बड़े शहर में किसी एक लड़की को ढूंढना? लड़की? कौन सी लड़की? जैसे तुमको पता ही नहीं कैसे कौन पता होगा, करिश्मा सिंह बनकर ये टोपा जो बना रही है सबको। तुम करीना हो? नहीं नहीं गुरु अम्मा, मेरे को और कोई कुछ सूझा नहीं कि मैं वो बात कैसे निकलवाऊं जो तुम सब मुझसे छुपाता। मेरे साथ ऐसा सौतेला बिहेवियर क्यों करता? बको मत, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ करिश्मा सिंह बनने का? हाँ, अगर तुमसे कोई बात छुपाया जा रहा है, तुम्हें नहीं बताया जा रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। ऐसे तो कोई नहीं छुपा रहा है, इतना तुम्हारा भेजे में बात नहीं घुसता है। ये लो पकड़ो, ये क्या होता? कद्दू है, दोनों हाथों में एक एक पकड़ लो, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये कद्दू यहाँ से नहीं हटेगा, और हटा तो इसी कद्दू से तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझी तू? एल्प पकड़। तो आज हमारा सर एकदम दर्द से फटा जा रहा है। पता, जो दुनिया के लिए सर दर्द है उसके सर में दर्द हो रहा है। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 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 नहीं। वो मेरे पास सर दर्द का दवाई होता मैं लेकर आता। नहीं कहीं नहीं जाओगी, तुम बहाने मत बनाओ। कहाँ रखा है गोली बताओ हमको? पर्स में होता, बेडरूम में। बेडरूम में तुम्हारा पर्स है ना, अब आइए इधर। हाँ? ना थोड़ा जांच पड़ताल तो किया कीजिए, किससे बात कर रही हैं, उस फूलझड़ी से क्या हमसे? कैसे पता चलेगा कौन कौन है? एक तो दोनों की शक्लें भी मिलती हैं, हमकर वो कितनी प्यारी है और तुम उससे भी प्यारी हो। कितना मेकअप लिपा पोती करती है लड़की। संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? इसका मतलब करीना सुसाइड बॉम्बर है। जी सर, जय हिंद। मैडम सर, मैंने पता लगा ली, पिछले एक महीने में लखनऊ में अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से 26-27 साल की 17 लड़कियां लखनऊ में आई है, लेकिन ये सारी इनोसेंट है। मैं पर्सनल लेवल पे गारंटी लेती हूँ कि ये सब के सब इनोसेंट है और इसमें से कोई भी सुसाइड बॉम्बर नहीं है। मैडम सर,
हमने भी अपने स्तर पर अपने अपने एरिया के सभी मेडिकल स्टोर में पूछताछ की है। उनका कहना है कि किसी लड़की ने तो क्या किसी ने भी हाल फिलहाल भी इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं खरीदा है। क्या? और मैडम सर, मेरी जो खबरी है उनको तो ये सुसाइड बॉम्बर लड़की के बारे में खबर ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी लड़की है और उनको हिंट ही नहीं है। नो करिश्मा सिंह, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैडम सर, हम अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग बहुत ही दक्ष और प्रशिक्षित होते हैं। वो अपने काम को इस तरीके इतनी सावधानी और चालाकी से अंजाम देते कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से हम आम अपराधियों को पकड़ते हैं, हमें नहीं लगता मैडम सर कि उसी तरीके से हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, ये सच बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है। बात यह है कि ना ही ये मामूली केस है और ना ही ये मामूली केस है और ना ही हम अपने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ और करना होगा, हमें अलग तरीके से सोचना होगा, हमें इनफैक्ट इन टेररिस्ट की तरह सोचना होगा। सोचिए, सब लोग सोचिए। संतोष शर्मा, अगर आप सुसाइड बॉम्बर होती तो अपनी पहचान किस तरीके से छुपा कर रखते? मुझे नहीं लगता कि मैं सही कैंडिडेट हूँ। एक तो मैं सुसाइड के एकदम ही अगेंस्ट हूँ मैडम सर, प्लस एक्सप्लोजन से ना मुझे स्किन एलर्जी है। मतलब दिवाली में अगर दो फुलझड़ियां भी जला लूँ ना तो 10 दिन तक खुजली होती रहती है। उफ़, ये फालतू बात कर रही है। पुष्पा जी, आप होती तो क्या करती? अब क्या ही करते मैडम सर, मतलब मरना ही है तो दिल की मुराद पूरी करके मरते। जी भर के गोलगप्पे खाते, पूरे शहर की चाट पापड़ी दही पापड़ी सब खा लेते। नहीं मतलब बॉम्ब से फटे या खा के फटे क्या फर्क पड़ता है। फालतू बात तो यही कर रही है। ओह करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर हम सुसाइड बॉम्बर होते तो हम इस शहर में आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ते, अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाकर रहते, उनकी पहचान को अपनी पहचान बना लेते ताकि हमारा कोई पहचान नहीं रहता। इंसुलिन जो है वो साथ में लेकर आते, यहाँ आकर नहीं लेते, और एक्सप्लोसिव का पूरा इंतजाम करके रखते ताकि उससे संबंधित हमें कोई जोड़ नहीं पाए। और हाँ, विस्फोटक को ऐसी जगह रखते जहाँ वो 24 घंटे लोगों की नजरों के सामने होता पर वो किसी के हाथ नहीं लगता, क्योंकि ढूंढा तो वही चीज जाता है ना जिसे छुपाया जाए। देखा, ये है हमारी बहू रानी। तो माँ उनसे कुछ सीखो ना, बस देखो गोलगप्पे खाने हैं, फटना है। ब्रिलियंट, वेरी गुड। मैडम सर, अगर आप उस सुसाइड बॉम्बर की जगह होती तो आप क्या करती? वही करती जो करिश्मा सिंह ने अभी अभी कहा, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसे कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे सेटअप के साथ आते। जिस रिश्तेदार के यहाँ आ रहे हैं उसे इल्म भी नहीं होता कि हमारा असली मकसद क्या है। कोई भी बहाना लेकर आते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, एडमिशन, नौकरी वगैरह कुछ भी, लेकिन मेन मुद्दे से भटका कर रखते। संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? इसका मतलब कहीं करीना ही तो सुसाइड बॉम्बर नहीं? तो अभी काम करते हैं कि जय हिंद। मुझे ऐसे क्यों लगता कि तुम सब मुझसे कोई बात छुपा था? मेरे से कोई सीक्रेट रखता क्या तुम? नहीं नहीं करीना, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम जाओ शूटिंग करो। हाँ, ये सब जो चल रहा है उसमें करीना और उसकी शूटिंग का जरूर कोई ना कोई संबंध है। इसका पता लगाने के लिए हमें शूटिंग पर जाना ही होगा। नहीं नहीं, शूटिंग पर हम जाएंगे। देखो इन्हें भी अभिनय की लत लग गई। पहले तो शूटिंग से भागती थी, शूटिंग के पीछे भाग रही है। ये तो गई भैया, हो गया है? नहीं, वो एक्शन सीक्वेंस है ना, ये नहीं कर पाएगी, वो हम ही कर पाएंगे, इसलिए हमें जाना होगा, तो हम जाते हैं। ठीक है करिश्मा सिंह। बाप रे, क्या गाड़ी चलाया आपने भाई! मैंने तो बिना ढोके बैलगाड़ी भी नहीं चला पाती थी, आज एकदम बाइक रॉकेट बना दिए। आइयो, मैं जो काम करता डेडिकेशन के साथ करता। उतरो। फुल पैशन के साथ करता। अब करियम्मा जैसा बनना तो बाइक तो चलाना पड़ता ना। हाँ पड़ता पड़ता पड़ता। लेकिन यहाँ क्यों रुके हैं? मैं बताता, कम ऑन, आई फॉलो ऑलवेज यू। टू नारियल पानी प्लीज। दो क्यों, एक ही देना। वन बाय एक से प्यार बढ़ता है। वन नारियल पानी प्लीज। तुम कभी डेट पे गया?
बचपन से मेरा और डेट का रिश्ता तो चोली और दामन का है। मेरा तो महीने में दो चार बार तो डेट पे जाना हो ही जाता है। दो चार बार जाता? हाँ हाँ, कुछ केसेस अभी भी ऐसे चल रहे हैं कि कोर्ट में मुझे डेट के लिए जाना ही पड़ता है एक आध बार। ओफो, मैं वो डेट का बात नहीं करता। फिर वो लड़की को लेके जाते है ना, उस डेट का बात करता। अच्छा वो करो, उस डेट पे मैं किसी लड़की के साथ गया नहीं हूँ। तुम्हारा नहीं, उन लड़कियों का जो मेरे साथ डेट पे आने के लिए मना किए हैं। लेकिन आज देखो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। कहाँ होता? आई डोंट नो, मैं यहाँ हूँ, उनका पता नहीं वो कहाँ है। अब तो मैं तुमको डेट पे लाया ना। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। मैं तुमको डेट पे लाया, और नारियल पानी डेट ना, तुम मेरे लिए इतना क्या फ्रेंड तक ली, इतना तो करना बनता ना। ए बाप रे, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। अरे आप, ए बाप रे, और कितना पागल होता, तुम पहले से ही पागल है। पहले क्यों नहीं बताया डेट पे जाना है, मैं तैयार हो क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड तक ली, फ्रेंड्स का हार्ट से हार्ट का कनेक्शन होता ना, तुम जैसे वैसे ही बहुत अच्छा। चलो नारियल पानी पीता। हां हां चलो। तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया था ना करिश्मा सिंह, अब मरो। करो करो करो, अरे हेल्प हेल्प करो, ये क्या हो गया, करो करो, तुम दिन में क्या करूं? मैं जाता नहीं नहीं करूं, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोलूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मौत और छीत किसी के कहने से नहीं रुकता, जो इस दुनिया में आता वो जाता, मेरा भी टाइम होता मैं भी जाता, बस मुझे एक बात का अफसोस होता। किस बात का करूं? कि मेरा टी मुझसे एक बात छुपाता, मेरे से एक सीक्रेट रखता, अगर वो बात मुझे पता चल जाता तो मैं हमेशा के लिए मेरी आत्मा को ना शांति मिलता। हाँ वही वही वही, शांति मिलता। ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है? वो क्या हुआ? आई अम्मा, तो ये सब मुझसे क्यों छुपाता? करो तुम नकली पुलिस ना। मैडम सर का कहना है ये मामला बहुत ही संगीन है, बाहर के किसी भी आदमी को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी, इसीलिए इस। लेकिन तुमको बताया कि बाप रे, लेकिन तुम तो जा रही हो, लेकिन तुम तो बैठ गई कैसे? तुम सही बोलता, मैं जाता, मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आता। तुम एक काम करो, तुम नारियल पानी पी कर आता। तो ये सब नाटक था? अब नाटक नहीं, इसको परफॉर्मेंस बोलता फ्रेंड टकली। तो वो गोली चलाने वाला आदमी? वो भी मेरा फ्रेंड होता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये बात जानने का कि टीम मुझसे क्या छुपाता। होप यू अंडरस्टैंड टकली, बाय बाय, तुम्हारा गुड बाय, मेरा बैड बाय। करिश्मा मैडम को अगर ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया है तो वो खुद अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। मैं मुर्दा, लाश, खत्म, फिनिश। ए बाप रे, तो कह रही आज के सीन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बदमाश आपके पीछे पड़े हुए। अच्छा, और फिर आप बदमाश से जान बचाते हुए भाग रही है। हाँ, आगे फिर उसके बाद तुम्हारे सामने एक ऊंची सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, फिर तुम जान बचाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हो, और फिर तुम टेरेस पे चढ़ जाती हो, और तुम्हारे पीछे पीछे वो बदमाश भी टेरेस पे चढ़ जाते हैं, फिर ये क्या है? अब आप ऐसे हंसती हैं? ऐसे? बिजली रानी ऐसे ही हंसती है क्योंकि बिजली रानी की हंसी में अग्रेशन चाहिए। फिर नीचे गुंडे। अरे मतलब है कि तुम टेरेस से नीचे गिरती हो और मर जाती है। अरे नहीं कैरी, उठ करके खड़ी होती हो, कपड़ों से धूल झाड़ती हो, और फिर गुंडों की तरफ देखती हो, और फिर अपनी पंच लाइन मारती हो, बिजली नाम है मेरा, गिरने से मरती नहीं मार देती हूँ। What a dialogue सर, बहुत मतलब very good, very nice. इससे पहले भी और मूवी बनाता तुम? बहुत सारी फिल्में बनाई मैंने। अच्छा, जैसे जैसे सर, जैसे कौन सी? जैसे जैसे तुम्हें देखा तो दिल में मची अफरा तफरी, माँ कसम तुम्हें भून के रख दूंगा, और तुम मिले होश उड़े, अरे बहुत लंबी लिस्ट है कैरी, आधी फिल्में तो मैं बना करके खुद ही भूल गया हूँ। ओह सो नाइस, वन मिनट है।
इसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, इस नाम का तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है, और जिन फिल्मों का ये नाम ले रहा है उसके तो नाम तक नहीं। मतलब ये सब एक सेटअप है और फिल्म का डायरेक्टर फर्जी है। मतलब हमारा संदेश सही था, ये सब सेटअप है और असली मकसद कुछ और है। Excuse me, मैं बस आता हूं। हेलो सर। जी सर बिल्कुल, आतिशबाजी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर। सर सब कुछ सेट रेडी है। हाँ जी सर। सर इस बार ऐसा धमाका होगा कि सबकी नींदें उड़ जाएंगी। इस बार हमारे मिशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी लाशें गिरेंगी कि ये लोग गिनना मुश्किल हो जाएगा सर। जी सर। सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है। सर वही धमाका करेगी। सर पिक्चर में तो पता नहीं हीरो का, लेकिन हमारे मिशन का असली हीरो करीना ही है। जी सर रखता हूं। ओके सर बाय। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। उस आत्मघाती लड़की के बारे में पता चल गया है। अब हमारे शहर को किसी से भी कोई खतरा नहीं है। क्या? क्योंकि ये टंटा हम आज ही जाकर खत्म कर आएंगे। आज ही हम उस आत्मघाती लड़की को गोली मार कर आएंगे। करिश्मा सिंह ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? जब आप उसकी लाश देखिएगा ना मैडम सर, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है। उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। और जो देश के साथ धोखा करता ना मैडम सर, वो तो हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता। कोई चांस ही नहीं। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूर्ण बनाया। हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको। जान ले लेंगे आज हम उसकी। करिश्मा सिंह काम डाउन कर, हमें ये बताइए कि वो है कौन। हेलो करिश्मा। अरे संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है। सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है। सर वही धमाका करेगी। उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूर्ण बनाया। हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको। जान ले लेंगे आज हम उसकी। मतलब करिश्मा सिंह उस टेररिस्ट को जानती है, लेकिन कैसे? 26-27 साल की कोई लड़की जो अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन का इस्तेमाल। पुष्पा जी, पुष्पा जी जल्दी आइए। पुष्पा जी हम एक बात बताइए, क्या करीना को डायबिटीज है? हाँ है। वो इंसुलिन का इस्तेमाल करती है? हाँ उसको करना ही पड़ता है मैडम सर। अपने साथ इंसुलिन के बहुत सारे इंजेक्शन भी लेकर आई है वो। नो 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 नो। क्यों, क्या हुआ? करिश्मा सिंह करीना को शूट करने वाली है। क्या? नहीं नहीं नहीं, चलिए 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 पुष्पा जी जल्दी पता लगाइए कि इस वक्त करीना कहाँ मिलेगी। जी मैडम। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला, कभी मेरे हालात से खेला, कभी मेरे मुलाकात से खेला। दिल से एक ही आवाज निकली, जालिम। क्या? Well played, well played. अबे बिल्ले तो सबने सुना है। पॉइंट पे, मुद्दे पे, मुद्दे पे। मुद्दा करूं? करू ने मुझे धोखा दिया। डेट का बहाना बनाकर मेरे अरमानों का ऑमलेट बना दिया। मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। अब मेरे मौत का फरमान निकला है। करिश्मा मैडम आती होगी मेरे प्राण हरण करने के लिए। दोस्तों मैं बस पल दो पल का मेहमान हूँ। ठीक है तो अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। अबे इस बार यहाँ तू लग गया इंतजाम का। कैसी दोस्ती मेरी है? चंपक चिलोड़िया संतू के पति? हाँ 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 वही। तो यहाँ क्या कर रहा है तू? भाई लागू कर रहा हूँ। बन्ना भाई, चंपक चिलोड़िया, संतू और ये तो भाई बहन थे, शादी कब कर रही है? अबे जब चीता को पता चलेगा वो तो जिंदा ही दफन हो जाएगा जमीन के अंदर। हाँ तो ठीक है, संतू कैसे मान गई? पता करती हूँ। ठीक है ठीक है, हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो? वह घर पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जहाज पे हैं ऐसा बोलकर यहाँ शहर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मैं बताता हूँ तुमको, बाद में बताता हूँ। मैंने बहुत सीक्रेट रखा है अपना सब कुछ। बुआ जी क्या बात कर रही है आप? सही बात कर रहे हैं। ऐसा तो मर्द दो ही सूरत में करे हैं, एक तो उसका बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो, वो तो नहीं हो सकता, तुम्हें कौन घास डालेगा। और दूसरी बात, पति पत्नी के संबंधों में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। सुनो तुम घर आओ, संतु चितेश्वर और तुमको तीनों को आमने सामने बिठाकर असली कारण ढूंढ लेंगे। सीधे चलते रहें, आप अपनी डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर दूर हैं। कृपया दाहिने मुड़ें। आपकी डेस्टिनेशन 800 मीटर की दूरी पर है। पुष्पा जी कुछ पता चला करीना कहाँ है? आप चलते रहिए, हम बताते हैं आपको। ओके, आप सीधा चलिए। जल्दी चलिए मैडम सर, जल्दी चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं करिश्मा जी अपनी बहन को गोली ना मार दे। करियम्मा क्या करता है ये, क्या हुई? बस बहुत हुआ, दे दिया तुमने धोखा, बना दिया हमको भी टोपा। ये जो तुम ये मासूम मुखौटा लेके घूमती हो ना, इसका सच हम जान चुके, तुम एक आत्मघाती मानव बम हो, जो शूटिंग के बहाने यहाँ पे लोगों का खून बहाने आई हो। तुम एक आतंकवादी हो, और आतंकवादी को या तो कानून को हमें जिंदा वापस करना होता है या फिर मुर्दा। और जो तुमने देश को धोखा दिया ना करीना, इसके लिए हम तुम्हारा सारा पाप यहीं खत्म करेंगे, तुमको गोली मार के। नहीं करी अम्मा, तुम ये क्या बोलता, मैं कोई टेररिस्ट नहीं होता, मैं तो यहाँ शूटिंग करने आया ना करी अम्मा। पिछली रानी तुम बोलता मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। जब जीने का विकल्प तुम खो चुकी हो करीना, जब तुम हमारे बाबूजी जैसे देशभक्त इंसान की बेटी होके तुमने ऐसा गद्दारी का रास्ता चुना। क्या हमारी भावनाओं को सीढ़ी बना के तुमने अपने इस घटिया मकसद के लिए लोगों का खून बहाना चाहा करीना? मैं कुछ नहीं किया। तुमको मरना होगा, समझ लियो हमारी बात को तुम, वरना हम ऊपर जाके बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे। जब वो हमसे पूछेंगे कि इतनी नाकार निकम्मी गद्दार देशद्रोही बहन को तुमने सजा काहे नहीं दी। तुमने देश से गद्दारी नहीं की करीना, तुमने हमारी जड़ों को बेइज्जत किया है। नहीं, हमारे नींव को अभिशप्त किया है तुमने। तुम्हें नहीं मारा ना करीना आज हमने, तो हम मर जाएंगे, लेकिन लेकिन तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे देश को धोखा दिया है। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए, ये बहन है आपकी। नहीं मैडम सर, ये देशद्रोही है, और देशद्रोही ना ही किसी की बहन होती है और ना ही किसी का भाई। देशद्रोही सिर्फ गद्दार होता है, और गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, हम ऐसा हरगिज आपको नहीं करने देंगे, आप गलती कर रही हैं। ये गद्दार है, ये सिर्फ एक शिकार है, एक बहुत बड़ी साजिश की शिकार है करिश्मा सिंह। थोड़ी सी शांत हो जाइए, थोड़ा होश में काम लीजिए, इस गलत फहमी को दूर करने का मौका तो दीजिए आप, सच सामने तो आने दीजिए एक बार। और अगर ये गद्दार निकली तो
तो हम आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर और एक गद्दार के बीच कभी नहीं आएंगे। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि आपको अपने देश से, अपनी ड्यूटी से और अपनी वर्दी से जितना प्यार है उतना ही हमें भी है। और आप जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, प्लीज काम डाउन, गन नीचे करिए। आप जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, प्लीज काम डाउन, गन नीचे करिए। अरे आप इतना सोच कह रही है, मैडम सर जो कह रही है वो कीजिए ना। प्लीज कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। बताओ क्या चक्कर है, कहाँ है संतू चितेश्वर, कहाँ है? मुझे संतू जी का पति बताकर किस मुसीबत में डाल दिया चिते, या बुआ जी की जासूसी ने नाक में दम करके रखा है, वह खुद मूवी देख रहा है। ड्यूटी पे गए, पिक्चर देखने गए, झूठ बोल रहा है। जन्म जन्म का साथ। हाँ? नहीं नहीं वो नहीं, ये तो पुलिस की कार्रवाई में मदद करते हैं, डिटेल इनको पता नहीं है। क्या हो रहा है चंपक चिरोडिया, तुम यहाँ लफंगों के साथ चौराबाजी कर रहे हो और वो पत्नी अपने दोस्त के साथ पिक्चर देख रही है, कुछ समझाओगे? बुआ मैं तो समझा दूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा है कि लोगों को लगता है चीता एंड संतोष पिक्चर देखने गए, लेकिन ऐसा है नहीं, वो गए हैं केस की तफ्तीश करने, छानबीन करने। लोगों की नजर में पिक्चर और पुलिस की नजर में केस। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या हमें ही लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, मेरी शक्ल ऐसी है लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। बक्सी भैया होते तो कहते कुछ तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ घर पे, आ जाओ। हाँ, बाजी बहुत अच्छी है ना? आ जाते हैं। ए, इसको पकड़ो। और तू चोर निठल्ले के घटिया इंसान, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। बदनामी बताओ, संतू जी के दिन पर बहन बहन बोलता है, हर राखी पर राखी बदवाता है, फ्री में मिठाई खाने के लिए इतनी घटिया नहीं छेड़ते? अरे कभी ना, तुम दोनों घटिया हो, बागड़ बिल्लो हो। अरे क्या सोच रहे हो तुम? अरे मैं तुमको सच बताता हूँ, देखो तुम किसी को बताओगे नहीं, कसम खाओ। तुम्हारी कसम किसी को नहीं बताएंगे हम, मर जाओ। अच्छा, मतलब एक डायरेक्टर के कहने में आकर आपने इस बात को मान ही लिया कि करीना ही वो टेररिस्ट है जो यहाँ पर आई है और इस पूरे मिशन को जो है कामयाब करने वाली है। करिश्मा सिंह, एक बार आप हमसे बात कर लेती, हमसे क्रॉस चेक कर लेती, करीना से पूछ लेती, या कम से कम खुद पेशेंटली इस बारे में समझ के फिर इस सिचुएशन को हैंडल करती, ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले। मैडम सर, उस वक्त हमारी जगह कोई भी होता वो यही समझता सच में। और इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये जो शूटिंग है ये महज एक ड्रामा है, एक नौटंकी है असली मकसद छुपाने के लिए। ये सब आतंकवादी है मैडम सर, और जो डायरेक्टर है ना वो साफ साफ एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, और आतंकवादी का जो मास्टरमाइंड है उससे डायरेक्ट संपर्क करता मैडम सर। वो फोन पर बोल रहा था कि करीना जो है वो सुसाइड बॉम्बर है। उस वक्त कोई भी वहां पे खड़ा था तो वो यही समझता ना कि ये सुसाइड बॉम्बर है और ये उन लोगों से मिली हुई है, ये भी आतंकवादी है। पर मैं ऐसा क्यों करता सिस्टर? मैं यहाँ पे सुपरस्टार बनने आया, आसमान में स्टार नहीं बनने आया। मुझे क्या जरूरत होता सुसाइड बॉम्बर बनने का? मेरे को मेरा जान बहुत प्यारा, खुद के ओन ब्लड पे तुम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता ना? हाँ तो कैसे करते, तुम पे कैसे बिलीव करते हम? हाँ, जो बहन अपनी बहन के भविष्य के लिए जो जमा पैसे वो लेकर भाग गई थी अपना सपना पूरा करने के लिए, इतनी स्वार्थी लड़की पे हम कैसे ट्रस्ट कर लेते बताओ? तुमने आज तक बहन होने का, बेटी होने का कोई भी फर्ज निभाया, कोई भी धर्म निभाया जो हम तुम पे विश्वास करें?
जब भी तुम्हारा शक्ल देखते ना करीना, हमें तुम्हारा वो स्वार्थ याद आता है। आज तक तुमने कभी भी पलट कर देखा कि हम और बाबूजी कैसे थे उस टाइम पे, कैसे जिए भी हैं या मर गए, कभी नहीं देखा? हाँ, बहुत ब्लड ब्लड ओन ब्लड का बात करती हो ना तुम। तुमने क्या किया है अपने ब्लड के लिए, हाँ, जो हम तुम पे विश्वास करें? काश कि आपको सच्चाई के बारे में पता होता करिश्मा सिंह, काश आप इस बात को जानती कि करीना ने एक बेटी का फर्ज निभाने के लिए और एक बहन का फर्ज निभाने के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या सहती आई है। सीना सुंदरी, तुम मुझको प्रॉमिस किया था तुम। नहीं करीना, वादे से बढ़कर हमारे लिए फर्ज है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। करिश्मा सिंह, आपको याद होगा कि जब आप पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गई थी तब आपके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया था कि उन्हें ठीक करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन करना होगा जिसमें अच्छे खासे पैसे लगेंगे। हम जानते हैं कि आपने पैसे इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, हर तरीके से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई मदद आपको मिली नहीं। जैसे तैसे आप भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची अपने पिताजी से मिलने, तब आपको पता चला कि उनका ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑपरेशन भी हो चुका है, उनकी तबीयत ठीक भी हो चुकी है और एक अनजान डोनर ने आकर पैसे डोनेट किए थे इस ऑपरेशन के लिए। जी, वो डोनर और कोई नहीं, आपकी बहन करीना थी। करीना ने अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी। उसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो उसने उधार मांगे, कर्जा लिया। और जानती है ये फिल्म करीना के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी फिल्म के पैसे से ही अपना कर्जा चुकाने वाली थी जो इन्होंने अपने पापा के ऑपरेशन के लिए लिया था। ये बात हमें खुद करीना ने बताई, लेकिन हमने भी जब अपने लेवल पर इसे क्रॉस चेक किया तो ये बात 100% सच है। हमने करीना से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे, आपको तो हरगिज नहीं, पर हम ये बात आज आपको बताना बहुत जरूरी समझते हैं ताकि आपको फाइनली समझ में आए कि करीना कितनी अच्छी बहन और कितनी अच्छी बेटी है। इसने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और न जाने क्या क्या झेला है। आपको इन पर फक्र होना चाहिए करिश्मा सिंह। कुछ यूं जिंदगी का दस्तूर निभाते रहे, सब सहते रहे, फिर भी मुस्कुराते रहे। अय्यम्मा, वो डायरेक्टर का मैसेज आया, वो आगे का क्लाइमेक्स आ गया है। क्या? उसमें वो सुसाइड बॉम्ब बनके किसी क्राउड प्लेस पे जाना है और वहां जाके ब्लास्ट करना है ताकि विलन और उसके सारे साथी मर जाएं। कहां करने वाले शूट, लोकेशन क्या है? इसमें लिखा कि वो एक घंटा पहले बताते, वो गोरिल्ला शूट करता ना। गोरिल्ला शूट मतलब वो रियल लोकेशन में जाके रियल पीपल के बीच में वो ब्लास्ट करता और सब रियल होता, वो कैमरा छुप के कैप्चर करता, ऐसा मतलब ये शूटिंग लैंग्वेज होता गोरिल्ला शूट, वो करता। यही है इनका फाइनल प्लान करिश्मा सिंह, इसी तरीके से अपने इस मिशन को ये अंजाम देने वाले हैं। यही इनका शुरुआत से प्लान था कि करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर वहां भेजिए और ब्लास्ट कर दीजिए। सोचिए, अगर हमें पता नहीं चलता तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती और करीना की भी, और इस बेचारी को तो पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। बहुत बड़ा बवंडर हो गया हमसे, जिंदगी भर हम जिसे नकारा निकम्मा समझते रहे वो तो क्या कमाल का चीज निकला। बड़ी बहन हम हैं, लेकिन तुमने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। कितना कोसते रहे, क्या कुछ नहीं कहते रहे, लेकिन तुमने कभी भी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें जिंदगी भर बोलते रहे कि तुम हीरोइन नहीं बन सकती, आज हम तुमसे बोलते हैं कि तुम रियल लाइफ हीरो हो, तुम ही असली हीरो हो। तुमने जो किया ना वो कोई नहीं कर सकता। करीना, बहुत गर्व है और हमें माफ कर दो।
देखिए प्लीज, हम आप दोनों के जज्बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हमें फिलहाल एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है। जी मैडम। ओके, तो इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल हम काम पर ध्यान दें। ओके करीना, एक बात बताओ, क्या तुम प्रोड्यूसर से मिली हो? उसका चेहरा देखा है? यस। ओके, क्या नाम है उसका? टोनी चोपड़ा। परफेक्ट। करिश्मा सिंह जी, स्केच आर्टिस्ट को बुलाइए। अब ये केस करीना के जरिए ही सॉल्व होगा। आओ। नमस्ते। हाय। बैठो और विस्तार से बताओ कि वो इंसान कैसा दिखता था, ठीक है? बता। जी बोलिए मैम। उसका नाक एकदम लंबा तोते जैसा था। तो ओके। और उसका आंख ना एकदम गोल गोल, वाइट वाइट, बड़ा बड़ा, एकदम उल्लू का नहीं होता वैसा। ठीक है, एक मिनट। चेहरा एकदम राउंड राउंड गोल गोल होता। बाल कैसे थे? बाल उसका स्ट्रेट होता। के हिसाब से कुछ ऐसा होलिया कुछ बन रहा है। क्या है ये, क्या बना दिया आपने? इंसान बनाना था, एलियन नहीं। अरे तो आप भी इंसानों वाली होलिया बताइए ना। हाँ शान शान शान, समझ रहे हैं हम। देखो जब तक आप अच्छा स्केच नहीं बनाओगे, यहाँ से जा तो नहीं पाओगे, तो कोशिश करते रहिएगा, क्या पता अगली बार अच्छा अच्छा बन जाए स्केच। ठीक है, तो फिर जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग करीना को सुसाइड बॉम्बर बनाकर भेजने कहां वाले थे। अगर हम इन लोगों के इस प्लान को नाकाम करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इनका पूरा प्लान पहले हमें पता चले। हाँ लेकिन मैडम सर, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक आइडिया है हमारे दिमाग में, अगर ये आइडिया काम कर जाता है तो हम सीधा उस तक पहुँच जाएंगे जो इस सबका मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड हमारी गिरफ्त में होगा तो प्लान तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे। और वो कैसे होगा मैडम सर? आप कल शूटिंग पर जाइए, क्योंकि इस आदमी तक पहुंचने का बस यही एक तरीका है। ये देखिए मैडम। हाँ। बेबी, तो आज विलन के अड्डे का एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगे। एक तरफ विलन की इलीगल प्लानिंग चल रही है और दूसरी तरफ से तुम हाई स्पीड शॉट से आती हो With your black goggle, ठीक है? और आते ही विलन के गुंडों को पीटना शुरू कर देती हो। पीटता क्यों? ये बिजली रानी तो पुलिस ऑफिसर होता ना, उसके पास तो सर्विस गन होता, तो वो तो सर्विस गन से। नहीं, बिजली रानी तो गन घर भूल आई है। सर्विस गन है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जो घर पर भूल आई है। सर्विस गन पुलिस ऑफिसर कभी घर पे भूल के नहीं आता। बेबी सिनेमेटिक लिबर्टी, पहले भी तो बताया था ना, ऑडियंस यही चाहती है। ट्रस्ट मी, क्लाइमेक्स देखते ही पब्लिक एक ही बात बोलेगी, बकवास। अयो माँ, एकदम बकवास वायर फालतू होता। इतना खराब क्लाइमेक्स मैडम। अयो अम्मा, हम तुम्हारे क्लाइमेक्स के बारे में नहीं बोलता, अब तुम्हारे बाथरूम के बारे में बोलता। कितना बदबूदार, कितना वाहियत, कितना बकवास बाथरूम होता। कोई भी इंसान 2 सेकंड अंदर नहीं बैठ सकता। ये ऐसा ऐसा बाथरूम देता तुम अपने कलाकारों को? ऐसा ट्रीटमेंट देता तुम? व्हाट द हेल, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रवीण, अरे कौन है ये हैं? इस जूनियर आर्टिस्ट को किसने बुलाया? और आपकी हिम्मत कैसे हुई बेबी के मेकअप रूम में घुसने की? जूनियर आर्टिस्ट के लिए अलग से प्रोडक्शन ने मेकअप रूम दिया है, तो वहां जाना था ना। अयो अम्मा, ये नाराज कला, तुम अब जूनियर आर्टिस्ट नहीं होता। एक्टिंग में हम इसका आपका और रियल लाइफ में इसका अम्मा। मैं तुम्हारी हीरोइन का अम्मा। हाँ, ये तुम्हारा वाहियात प्रोडक्शन और हमारा प्रोडक्शन देखो कितना ब्यूटीफुल होता। नहीं करना, नहीं करना हमारी बेबी को तुम्हारे ऐसे मैनरलेस प्रोडक्शन हाउस में का, जिसमें जिसमें एक्टरों का कोई कीमत नहीं होता। चलो बेबी, चलो चलो। अरे कर 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 कर, जहाँ मेरी मम्मा का वैल्यू नहीं वहाँ मुझे काम नहीं करना होता। नहीं करना, चलो अब। ओह माय गॉड, ये आपकी मम्मा है, पहले क्यों नहीं बताया? लगी नहीं रही है इतनी यंग और फिट, आपकी बड़ी बहन लग रही है। हेलो मैम, मैं फिल्म डायरेक्टर यश कपूर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमको भी। नो नो नो, इल्ले अब बस का मत मारना, हमारा बेबी
भी ये फिल्म नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। और वैसे भी तुम क्लाइमेक्स में हमारी बेबी, सुंदर बेबी, ब्यूटीफुल बेबी को सुसाइड बॉम्बर बनाता, इसका इमेज का क्या होता, उसके फैंस नाराज होता, उसका पूरा करियर स्पॉइल हो जाता। नहीं करेगा हमारी बेबी ये फिल्म, नहीं करेगा माने नहीं करेगा। चलो सिर्फ एक मिनट, हेलो हेलो सर, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जी सर समझ गया सर, ओके 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 सर। कैरी तुम ये फिल्म नहीं करना चाहती तो ठीक है, बट हमारे प्रोड्यूसर सर आपसे एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे। आई इंसिस्ट, प्रोफेशनल एथिक्स भी कोई चीज होती है ना, प्लीज। अयो अम्मा इल्ले बोला तो इल्ले, इल्ले मतलब इल्ले, नहीं कर नहीं करेगा हमारे। अम्मा अम्मा वन लास्ट मीटिंग सिर्फ यश के लिए। अयो चलो तुम बोलता तो ठीक। ओके अम्मा, ओके बोला, थैंक यू थैंक यू। चलो चलो रेडी हो जाओ। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इनको थोड़ा सा डराया, धमकाया, थोड़ा सा पिक्चर छोड़ने का धमकी दिया तो बोलो ना, हम यहाँ अभिनय कैसे। पुष्पा जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, जैसे उनको डराया तो उनके गुब्बारे फूल गए, डर गए, सख्त पका गए और हमें प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग फिक्स करा दिया। गुड, तो क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे इस देशद्रोही का? उन्होंने हमारी बहन के साथ जो किया मैडम सर, आपको क्या लगता है उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसको सुसाइड बॉम्बर बनाकर उसकी जान लेने का कोशिश किए, उनकी खोपड़ी में ना ऐसा सब गोली डालेंगे और इनके पर खच्चे ना उड़ा देना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह ने। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। आइए मैडम, यहां पर बैठिए, सर जी आते होंगे। जी जी। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज प्लीज, हैव अ सीट। आई एम टोनी, टोनी चोपड़ा, फिल्म का प्रोड्यूसर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमको भी। वैसे हम तुमको एक बात पूछने को होता, ये जो तुम्हारा घर है, ये घर भी तुम शूटिंग के लिए देता किराए पे? क्यों, क्या हुआ? इतना सारा लोग बाहर भी अंदर भी गन के साथ खड़ा होता तो हमको लगा कि इधर भी एक्शन फिल्म का शूटिंग होता। नहीं 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 नहीं, ये सब असली गार्ड्स हैं, इनकी बंदूकें भी असली हैं। अयो अम्मा, ये सब मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। वो क्या है ना कि आजकल अमीर बनना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये सब छोड़िए आप, ये बताइए बेबी कि आप फिल्म की छोड़ रही हैं? इनको क्या पूछता, इनको क्या पूछता, अब बता, अब इसका अम्मा, अक्का, हमारा बेबी, हमारा बेबी देखो तो कितना भोला, कितना नादान, जहां बोला वहां साइन कर दिया, चिल्लर जैसा पैसा में पूरा फिल्म साइन कर दिया। मैं शहर से बाहर क्या गया, तुम हमारी बेबी के पास उम्मीद का फायदा उठाया। यहाँ चाय से ज्यादा केतली गरम है। जी जी, गर्मा गर्म चाय आ गई, प्लीज लीजिए ना। ठीक है मैम, फिल्म जो है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रह गया है, तो अगर ऐसे में बेबी फिल्म छोड़ती है तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मैम आप ही बताइए कि ऐसे में मैं क्या करूं कि ये फिल्म भी कंप्लीट हो जाए और मेरा नुकसान भी ना हो और आपका फायदा भी हो जाए। अब मेरे पास एक आइडिया, ऐसा करते हैं कि मैं बेबी की जो पेमेंट है वो डबल कर देता हूं, क्या कहती हैं आप? अयो अम्मा ये नाराज कला, नहीं नहीं अयो अम्मा, हमको सब मंजूर होता, हमको मंजूर होता है ना बेबी, हां डबल पैसा हमको मंजूर होता। वैसे एक बात बताता,
पेमेंट जो था ना, पेमेंट तो बस एक बहाना था। हमको तो असल में आपसे मिलने को होता। कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचेगा और शूटिंग करेगा। मैडम सर, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको देखना चाहिए। बताओ। ये देखिए, फिल्म प्रोड्यूसर टोनी चोपड़ा का स्केच जब हमने हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच किया तो मैच नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इसे मॉडिफाई किया, दाढ़ी मूछ लगाया, विग लगाया, बेसिकली गेटअप चेंज करने के बाद जब मैच किया ना मैडम सर, मैच मिल गया। और क्या मिला ये आप देखिए। ब्लैक टाइगर टेररिस्ट ग्रुप का कमांडर RDX। हाँ मैडम सर, आज तक देश में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है आधे से ज्यादा इसकी वजह से हुई है। एग्जैक्टली, हजारों लोग इसके अंडर काम करते हैं, इसके एक इशारे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और रिकॉर्ड के हिसाब से मैडम सर, आज तक इसने जितने भी बॉम्ब प्लांट किए ना, सारे के सारे ब्लास्ट होकर आए। ये देखिए, इंटरपोल के खास निशाने पर है मैडम सर, 52 कंट्रीज में वांटेड है, 17 में बैन है। जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है मैडम सर, आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही है, और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। हमें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इसके पूरे नेटवर्क को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे। आई एम श्योर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके अंडर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टोनी चोपड़ा को मारना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इसे मारना मतलब मौत के पेड़ में एक छोटा सा पत्ता काटना जैसा हुआ। संतोष शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस मामले को हमें जड़ से खत्म करना होगा। मारिए गोली करिश्मा सिंह, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। हमारी तरफ से एक और मारिएगा ताकि हम भी चैन की नींद सो पाए। करिश्मा सिंह, हमने करिश्मा सिंह को कह दिया है कि वो प्रोड्यूसर को मार दे। करिश्मा सिंह, आपको रोकना होगा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप इस प्रोड्यूसर को नहीं मार सकती हैं, क्योंकि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट चलाता है। ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं। हमें अगर खत्म करना है तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोड्यूसर के जरिए किया जा सकता है। इसलिए ये आदमी हमें जिंदा चाहिए, आप इसे नहीं मारेंगे, एंड दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप चाय नहीं फिरी है, प्लीज सर। तो आपने तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी हम निकलता, वो क्या है, बेबी का योगा का टाइम होता ना। तो अभी हम निकल, मगर कल हमारा बेबी सही टाइम पर शूटिंग पर पहुंचता। अभी हम चलता, चलो। थैंक यू। मैडम सर, ये क्या किया आपने? हमारे निशाने पे था वो, एक गोली मारते पूरा टंटा खत्म था। करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं, हमें इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे टेररिस्ट गैंग को जड़ से खत्म करना होगा, और ये काम करने में ये टोनी चोपड़ा नाम का आदमी है हमारे काम आएगा, इसीलिए उसको जिंदा रखना फिलहाल के लिए जरूरी है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी उस बॉम्ब को ढूंढना है जिससे ये ब्लास्ट होने वाला है। डायरेक्टर ने कल का लोकेशन भेजा, कल वो चीफ मिनिस्टर का रैली निकलने वाला है ना, ये सुसाइड बॉम्बर वाला सीन उसी रैली में शूट करना होता। इसका मतलब इस आदमी का टारगेट सिर्फ मासूम लोग नहीं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम इनके इस काम को कामयाब कभी नहीं होने दे सकते, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ओके,
करिश्मा सिंह, कल शूटिंग में करीना की जगह आप जाएंगी। आप उस बॉम्ब को हासिल करेंगी और हासिल करते ही तुरंत वहां से निकल जाएंगी। क्लियर? एक बार वो एक्सप्लोजिव हमारे हाथ लग गए, फिर देखते हैं इन देश के गद्दारों का क्या करना है। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत संभाल कर चलना होगा, क्योंकि मासूमों के साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है। जानते हैं मैडम सर, वचन देते हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देंगे। ये सब मेरे वजह से होता, मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेरे वजह से ये सिचुएशन आता, सब मेरे वजह से होता। नहीं करीना, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये आरडीएक्स जैसे लोगों की गलती है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। हम वचन देते हैं मैडम सर, हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। उनको उनके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। बक्सी भैया होते तो उनके दिमाग में पहला प्रश्न ये आता। क्या था संतू ने तुम में देखा क्या? यही रहो, हम बुला के लाते हैं संतू को। जी फुआ जी। मुंह पे बेइज्जती हो रही है, मुंह पे बेइज्जती है। कैसे पसंद किया तुमको, कैसे पसंद किया क्या ये? हाँ तो तुमको तो आदत है ना यार मुंह पर बेइज्जती सुनने का। हमारे समय ही तुम्हारा आत्मसम्मान उफान मार रहा है। तुमको क्या हो रहा है? वो पिक्चर का कहानी करके बता रहा था। ऐसे? हाँ उसको आदत है, ऐसा ही करता है वो। संतू जी आप तो इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा बेहतरीन लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि आपका हाथ पकड़ के ना संतू। क्या हाथ पकड़ कर? बहुजी है तुम्हारी। और तुम? मैं क्या? ये पराया मर्द है, इसके हाथ पकड़ने की बात कर रहा है। नहीं नहीं बुआ जी, देवर जी ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा हाथ पकड़कर दोबारा चिरोड़िया जी के हाथ में देना चाहते हैं। हाँ बक्सी भैया होते तो ये कहते कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चतुर है बक्सी भैया, को लगा है गड़बड़ है तो अब परीक्षा होगी। लिखो संतू, तुम लिखना अपनी पसंद लिखना। मैं अपनी पसंद लिखता हूँ ना। हाँ? तुम संतु की पसंद लिखोगे। ओके हाँ। चलो टाइम अप। देखो संतू की पसंद है फेवरेट कलर पिंक, और तुमने क्या लिखा है? काला काला ही था ना संतू जी। फेवरेट खाना संतू क्या कहती है? डोसा आलू पराठा। भेजा फ्राई। लो बताइए, कोई तालमेल ही नहीं है। कैसी उठपटांग शादी बनी है ये। बक्सी भैया हमको तो लगता है ये शादी समझौते पर ही चल रही है। अब हम एक काम करेंगे, हमने तय कर लिया है। बस क्या तय कर लिया है? हम इनके दम तोड़ते रिश्ते में प्राण फूकेंगे। हमें मदद करते। अरे नहीं, मदद का जरूरत नहीं है, थोड़ी ना हम परदेश जा रहे हैं, शूटिंग पे तो जा रहे हैं। रहने दीजिए, हम करते। वादा करो तुम अपने गुस्से को काबू में रखोगी, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करोगी। दादी बनाने का वादा किया है ना तुमने, हा? अगर उससे पहले तुमको कुछ हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कसम खाओ हमारी पहले सही सलामत वापस आओगी तुम हमारे लिए। खाओ कसम। अम्मा सुनो, जब आप घर से निकलती है थाने के लिए, तो क्या आप ये कसम खा के निकलती है कि आप घर वापस सही सलामत आएंगे? नहीं ना, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, जिंदगी गारंटी कार्ड लेकर नहीं आता है। अम्मा सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी, कब कौन से खाने पे काल सब डस ले कुछ पता नहीं होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या होता है पता है? कि हम जिएंगे भी इस वर्दी के साथ,
और मरेंगे भी इस वर्दी के साथ। बाकी बहुत जिद्दी खून है, बिल्कुल वापस आएंगे और एकदम सही सलामत आएंगे, क्योंकि वापस आना है। और अगर लल्ला घर पे टिके रहे तो वादा भी पूरा करेंगे आपको दादी बनाने का। तो रोते हुए आप हमें अच्छी लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी। स्लिप जाइए, अब आप भी ड्यूटी के लिए लेट हो रही हैं, हम भी लेट हो रहे हैं और हम सही सलामत वापस आएंगे। हाँ गुरु अम्मा, मैं कुछ नहीं होने देगा करियामा को, मैं प्रॉमिस करता कि करियामा को कुछ नहीं होता। आप जाइए। करी अम्मा, क्या करी अम्मा, करी अम्मा बड़ी बहन है ना तुम्हारी, दीदी का नहीं बोलती हो? दीदी बोलो। दीदी चलो बस करो, अब हमें जाना, हमें लेट हो रहा, जाओ। वन मिनट, ये क्या है? कि बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। तुमको याद नहीं, अम्मा दही खिलाती थी स्कूल जाने से पहले। हाँ याद है, परीक्षा में जाने से पहले अम्मा हमें ऐसे दही खिलाया करती थी। खिलाओ। बेबी ये लो। दीदी आज पिक्चर का लास्ट शेड्यूल है, अब कहानी खत्म समझो, फटाफट रेडी होकर के आ जाओ। हैं? बड़ा बुजुर्ग बोलता ना कि जब भी किसी शुभ काम के लिए बाहर जाता उससे पहले ये दही और शक्कर ये खाता। ठीक है चलो अब हम जाते हैं। सॉरी दीदी, तुम्हारे जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पूरी दुनिया को जरूरत है, तुम पे तो ऐसी 100 करीना कुर्बान। पुष्पा जी, जी करिश्मा सिंह शूटिंग पर गई जी। ओके, और कोई अपडेट है? नहीं अब तक तो नहीं। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह बोलिए। जय मैडम सर। मैडम सर, ये करीना हमको बेहोश करके खुद शूटिंग स्थल पे पहुंच गई है। क्या क्या हुआ मैडम सर? एक मिनट, ये क्या कह रही है आप? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये ऐसे तो करीना की जिंदगी खतरे में है। क्या हुआ क्या मैडम सर? एक मिनट,
आप एक काम कीजिए मैडम सर, आप निकलिए, शूटिंग स्थल जो है ना वो थोड़ा सा दूर है, हम भी यहाँ से निकलते हैं, पर वो हो सकता है आप हमसे पहले पहुँच जाए। करीना को प्लीज आप बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए। वो बेवकूफ है नादान, एक नंबर की टोपा लड़की है, वो बॉम्ब को हैंडल नहीं कर पाएगी। हम तो फिर भी विस्फोटक हैंडल कर लेते, पर वो कहीं अपने शरीर पे ना बांध ले मैडम सर, प्लीज आप जल्दी कीजिए। ठीक है, हम उससे बात करते हैं। बताइए क्या हुआ? करीना करिश्मा सिंह को बेहोश करके खुद चली गई है शूटिंग पर। क्या? हमें उसी से बात करनी है। हेलो करीना, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? ना ही तुम पुलिस ऑफिसर हो, ना ही तुम्हें बॉम्ब को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। तुम क्यों इस तरह से अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? जरूरत क्या है? जरूरत होता ये सब मेरे वजह से हुआ तो इसको ठीक भी मैं ही करता। ये बेवकूफी की जिम्मेदारी मैं खुद उठाता। अच्छा ठीक है, बॉम्ब कहाँ है? मेरे पास होता, मैं वो जैकेट पहना है और जैकेट के अंदर वो बॉम्ब लगा हुआ है। मैं शूट छोड़ के भाग गया। करीना तुम पागल हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने ये क्या किया? ओके ओके, जल्दी से अभी के अभी हमें बॉम्ब का फोटो भेजो। अभी के अभी मतलब अभी के अभी, और जब तक हम नहीं कहते तुम कुछ नहीं करोगी। संतोष शर्मा, पुष्पा जी एक मिनट, करीना ने अपने शरीर पर वो बॉम्ब लगा लिया है। हाँ, हमने कहा उसे फोटो 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 आ गया, प्लीज देखो, प्लीज चेक करो कि इसे डिफ्यूज किया जा सकता है क्या। पागल लड़की, क्या किया उसने? आप प्लीज बॉम्ब स्क्वाड को फोन करिए। जी 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 मैडम। मैडम से ये KLR-500 टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब बॉडी से कनेक्ट हो गया, अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्टली 25 मिनट में बॉम्ब फटने ही वाला है। 25 मिनट? सिर्फ 25 मिनट? हाँ, मेरे घर सिर्फ 25 मिनट के मेहमान है। हे गुरु, मैं थाने के लिए आता, लेकिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचता तो ये बॉम्ब फटता और इनोसेंट पीपल मरता, तो मैं ऐसा नहीं होने देता। करीना, 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 ये लड़की क्या करे? बॉम्ब स्क्वाड को फोन नहीं लग रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब जो करना है हमें ही करना है। ओके ओके, संतोष शर्मा पता लगाइए कि बॉम्ब डिफ्यूज करने की और क्या पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी करीना की लोकेशन ट्रैक करिए। मैडम सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? लेकिन मुझे बॉम्ब की प्रोग्रामिंग का पासवर्ड चाहिए होगा। करीना की भी लोकेशन मिल गई है। कहाँ? मानसरोवर रोड पर है वो भी। मानसरोवर रोड, ये रास्ता तो शहर के बाहर जाता है। इसका मतलब करीना जानबूझकर शहर के बाहर जा रही है ताकि किसी और की जान खतरे में ना पड़े। जानबूझ के ये सब कर रही है। ओके, आप हमें करीना की लोकेशन सेंड कीजिए और GPS चेक करते रहिए। हम करिश्मा जी को फोन करते हैं और उनको RDX के पास भेजते हैं बॉम्ब का पासवर्ड लाने। हाँ, बड़ी चूरन हो ये तो हमको पता था, पर इतनी बड़ी वाली टोपा निकलोगी ये हम नहीं जानते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा बना बनाया प्लान खराब करने का? हाँ तो मैं और क्या करता, मेरा मिस्टेक तुम क्यों झेलता? और वैसे भी मैं गुरु अम्मा को प्रॉमिस कर दिया कि तुमको कुछ नहीं होने देगा। ये सब छोड़ो, तुम हमारी बात सुनो। मैडम सर आ रही है तुम्हारे पीछे, तुम रुक जाओ जहाँ पे भी हो और वहाँ से हिलना मत बिल्कुल भी। हिली तो देखना, बहुत मार लगाएंगे तुमको। मैं जानता तुम सब मुझको बहुत प्यार करता, पर मैं भी पुलिस का वर्दी पहना और पुलिस की वर्दी का प्राउड रखने के लिए पुलिस वाला होना जरूरी नहीं होता। हमारी बॉडी में तो सेम ब्लड दौड़ता ना। अब इस मिशन को अंजाम मैं देगा। नहीं 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 करीना, प्लीज प्लीज सुनो सुनो, हमारी बात सुनो, हमें माफ कर दो करीना। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम तुमको गलत समझते थे। बहुत प्यार करते हैं तुमको करीना, इस बार हम तुमको खोना नहीं चाहते, समझो। रुक जाओ वहाँ पे, प्लीज प्लीज। बचपन से वेट किया कि तुम ये मुँह से अपना डायलॉग बोलो, बहुत लेट हो गया। इतना रॉन्ग टाइमिंग तुम्हारा करीना, अब तो मैं जाता।
आई लव यू करिश्मा, बाय माय रक्ता रक्ता करीना करीना कर। तुम दोनों बहनों ने हमारे नाक में दम कर रखा है, वो जिद्दी तुम जिद्दी दोनों अड़ियल दोनों ने हमें पागल कर रखा है। रुको रुको, नहीं मैं नहीं चाहता हूं, मैं अब बस बहुत हो गया, अब जिएंगे तो साथ में जिएंगे, बम फटेगा तो साथ में फटेगा, और बच भी गए तो साथ नहीं। किसका कॉल है? मैडम सर, मैडम सर, वीडियो कॉल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पता चला कुछ बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना है? नहीं मैडम सर, कितना टाइम बचा है? एक मिनट बताते, खोलो धीरे 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 संभाल। सात 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 मिनट बचे संतोष शर्मा। सात सात मिनट सात मिनट पासवर्ड के बारे में पता चला? नहीं मैडम सर, उनकी तरफ से अभी तक कुछ पता नहीं चला। सात मिनट के अंदर अगर पासवर्ड नहीं मिला तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैडम सर मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज जल्दी करो जल्दी करो, फोन चालू। सीने सुन रही, मैं अभी भी बोलता तुम खोल के तुम जाओ, मैं अकेला छोड़ रहता ना तो बेहतर होता। क्या कर रही हो करीना? और ये सब क्या है? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं गई? और ये सब क्या कर दिया तुमने? पागल हो गई हो क्या? करीना नहीं, ऐसा है करिश्मा सिंह। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, करीना की जुड़वा बड़ी बहन। कानून का भेजा हुआ वर्दीधारी यमदूत जो तुम्हारे प्राण हलक से निकालकर जेल नाम के यमलोक का सैर कराने आई है।